अरब के दौर में जब लोगों के पास, जैसा कि उन्हें अपनी ज़ुबान पे अबूर हासिल था, तो उस दौरान लिखने का और पढ़ने का इतना रिवाज नहीं था। जैसा कि आप लोगों ने अक्सर यह हदीस में भी सुना हुआ है कि जब हमारे पास पहली गजवा के बाद उन लोगों के कुछ कैदी आए, तो नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन कैदियों को रिहा करने के एवज़ ये भी हदिया रखा था कि अगर आप हमारे 10-10 बंदों को या बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा दें तो उसके बाद हम आपको रिहा कर देंगे। तो इससे दो चीज़ें समझ में आती हैं, एक तो इल्म की कदर और दूसरा ये कि यहीं से हमारी कैलीग्राफी का आगाज़ होता है। अरबिक कैलीग्राफी के इस ओरिजिन से जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला ख़त जो हमारे जहन में आता है वो ख़त कूफ़ी है, जिसे सबसे पहला ख़त कूफ़ी ख़त समझा जाता है, जो कि गलत है। आप जहाँ पर भी सर्च करेंगे, बुक्स में पढ़ेंगे, लेकिन हम उस्तादों से हमने ये सीखा हुआ है, तो ये गलत है। बात किस तरीके से गलत है, उसकी रीज़न ये है कि हम लोगों ने ये ख़त सीखा था यहूदियों और ईसाइयों से। तो हम जब इस ख़त कूफ़ी को लिखते हैं या ख़त मगरबी को लिखते हैं, तो ये वो ख़त था जिसमें वो अपनी किताबें लिखा करते थे। तो हमने इस ख़त में कुरान पाक को लिखना शुरू कर दिया। इट मीन्स ख़त कूफ़ी पहले से लिखा जा रहा था और हमने इसी ख़त कूफ़ी से अपनी किताब को लिखना शुरू कर दिया। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि ये ख़त हमारा था, हमने इसे सीखा था पहले यहूद और ईसाइयों से। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर आज इसे इस्लामिक ख़त क्यों कहा जाता है। जवाब, वजह उसकी ये थी कि असहाबा ने इस ख़त में लिखा कुरान पाक को, तो हसूल बरकत के लिए हमने इस ख़त को ज़िंदा रखा। आज इसकी 200 से ज़्यादा इकसाम है और सबसे ज़्यादा जो इस ख़त कूफ़ी की किस्म रहें, जो उसे मरबी ख़त कूफ़ी कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस्लामिक कैलीग्राफी करते हुए वो पहला ख़त जो इस्लामिक कैलीग्राफी में सबसे पहले मुतारफ़ करवाया गया वो कौन सा था। तो उसका हमारे पास जवाब यह आता है कि इब्ने मुकला ने सबसे पहले ख़त नसख को, इस्लामी ख़त जिसे हम कहेंगे अरबिक कैलीग्राफी में, उसको मुतारफ़ करवाया। तो इस कायदे से अगर देखा जाए कि वो ख़त जिसके अंदर पहले कभी किसी ने लिखा नहीं कुरान पाक और वो सिर्फ़ मुसलमानों ने लिखा है, तो वो इब्ने मुकला ने सबसे पहले ख़त नसख में कुरान पाक को लिखा। तो हमारा सबसे पहला इस्लामी ख़त ख़त नसख बनेगा। और ख़त कूफ़ी को ज़िंदा रखना और ख़त मगरबी को ज़िंदा रखने का बायस ये था क्योंकि कुरान पाक असहाबा ने इस ज़ुबान में लिखा था, तो हसूल बरकत के लिए हम उसे आज भी याद रखते हैं और उसी तरीके से लिखते आ रहे हैं। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये इस्लामिक ख़त है, क्योंकि हमने ये सीखा था इब्रानी ज़ुबान वालों से और ईसाइयों और यहूदियों से। वो भी अपनी किताबें इसी ख़त में, अगर आप पुराने नुस्खे उठा के देखेंगे तो वो आपको इसी ज़ुबान में, इसी ख़त में लिखे हुए मिलेंगे। तो ये सबसे पहली मिसकंसेप्शन कि इस्लामिक ख़त की तारीख में जो बयान की जाती है कि ख़त कूफ़ी पहला ख़त था, जी नहीं, सबसे पहला ख़त नसख ख़त है जो इब्ने मुकला ने इन्वेंट किया था। लिखना एक आपके जज्बात का इजहार है, आपके सवालात और आपके जवाबात उसको लिखने की शक्ल में ये एक इजहार है, कम्युनिकेशन का प्रोसेस है। तो इंसान ने सबसे पहली जो कम्युनिकेशन की थी वो अपने हाथ के ज़रिए की थी। आज से 30,000 साल पहले एक केव के अंदर एक इंसान ने गारे में डिप करने के बाद और उसको दीवार पे लगा दिया, और वो आज भी हैंड प्रिंट वैसे का वैसे सेव है, और ये कमोपेश 30,000 साल पहले की बात है। यहाँ से हाथ से लिखना या हाथ के ज़रिए अपने जज्बात का इजहार करना जो है आगाज़ हुआ था। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता, अब हमारे पास खत्ताती वर्ड कहाँ से आता है। ख़त का मतलब होता है सीधी लकीर, और ये निकला है खत्ता से। जब भी हल जोतते हुए माली ज़मीन के अंदर हल जोतता है तो वो सीधी लाइनें लगाता है अपने उससे कई से या जिससे भी वो औजार से लगाता है, तो उसे कहा जाता था कि खत्ता निकाला गया। उसी खत्ता से वर्ड निकला ख़त, जिसे आपने अक्सर सुना होगा कि काहिन जब पेशन गोई करते थे तो वो ज़मीन पे लकीरें लगाया करते थे, ख़त लगाया करते थे सीधे, तो वो माजी में या हाल बता मुस्तकबिल का हाल बताने के लिए ये लाइनें लगाया करते थे, उन लाइंस को ख़त कहा जाने लगा। वहीं से ख़त की फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जिद्दत आई और लोगों ने रोशनाई से लिखना शुरू किया। ख़त को खत्ताती करने से पहले कुछ एक अशिया की ज़रूरत है, उनमें से सबसे पहली चीज़ ये है कि वो सब्र से काम ले, दूसरा उसके हाथ अच्छे होने चाहिए, तीसरा अच्छे उस्ताद की गाइडेंस चाहिए, और चौथा ये है कि उसके पास सामान मौजूद होना चाहिए, और पांचवा कि उसको इस चीज़ का शौक़ होना चाहिए। खत्ताती में सबसे पहले हमें एक अच्छे कलम की ज़रूरत होती है, और उस कलम की कम से कम लेंथ होनी चाहिए आपके, इस तरीके से मैयर की जाती है। उसके बाद इसे तराशने का तरीका, तराशने के लिए या तो आपके पास खत्ताती वाली नाइफ होनी चाहिए या फिर इस तरीके का कटर होना चाहिए, कटर बारीक हो तो ज़्यादा बेटर है।
कलम बनाने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपने इस कटर को इस तरीके से पकड़ के कलम को कम से कम आपने 4 उंगलियां दूर से पकड़ना है। दूर से पकड़ने के बाद यहाँ पे आपने इसको रख के तराशना है। कलम में कई तरह की इकसाम हैं, जैसा कि ये ईरानी कलम, और उसके बाद जब भी किसी कलम के अंदर एक अलग से पोर्शन आगे लगा हो और इस तरीके से जो पीछे पकड़ने वाली स्टिक है इसे हम कहते हैं तुमार। और उसके अलावा ये फैंसी कलम जो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, लेकिन वो बेसिक कलम जो हर खत्तात को मश्क के लिए चाहिए उसे एक सिंपल बैम्बू कलम कहते हैं। तमाम की तमाम मश्क का आगाज़ इसी कलम से किया जाता है, और जैसे जैसे फिर आप अपने इस फन के अंदर उस्ताद बनते हैं तो आप प्रोफेशनल कलम इस्तेमाल कर सकते हैं। दवात बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक अच्छी सी दवात और उसके बाद सिल्क थ्रेड चाहिए, जिसे हम इसके अंदर इस तरीके से डिप करेंगे। और उसको डिप करने के बाद हमारे पास हमें रोशनाई चाहिए, रोशनाई को अच्छे तरीके से शेक करके हम इसके अंदर डिप करेंगे। तो इसमें डालने के बाद कलम से अच्छे तरीके से इसके अंदर ऐड कर लें। इस तरीके से आप अपनी दवात बनाएंगे खत्ताती के लिए। ये एक मुकम्मल दवात तैयार है। खत्ताती के लिए रिवायती तौर पे जो सबसे पहले इस्तेमाल होता था कागज़, जिसे मुकहर पेपर कहते हैं, आहर पेपर भी कहा जाता है, मुकहर भी कहा जाता है, इसे तैयार किया जाता है एग वाइट के ज़रिए और फटकड़ी के ज़रिए। जैसा कि आप देख सकते हैं ये वो सरफेस है जिसके ऊपर हमने इसे तैयार नहीं किया, द रफनेस ऑफ दिस शीट यू कैन ईजिली वॉच। उसके बाद ये वो हिस्सा है जिसे हमने तैयार करने के बाद तो हम इसके ऊपर खत्ताती की मश्क करते हैं, और इसके अलावा लिखते भी इसी मुकहर पेपर के ऊपर है। खताती में वो चीज़ जिसके ऊपर हम रख के लिखते हैं इसे ज़ेर मश्क कहा जाता है, और ये कुछ इस तरीके का होता है जिसके अंदर सिंपल एक कपबोर्ड के ऊपर आप हल्का सा फोम या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे सॉफ्टनेस आए तो इसके ऊपर हम रख के खताती करते हैं। रिवायती तौर पे खताती सीखने के लिए जो तरीक़ाकार अपनाया था उसमें तो ये तुर्की वाले लोग ये करते हैं कि वो अपने कलम को अपने उस्ताद की, जो पुराने उस्ताद हैं, जो मोहतरम उस्ताद हैं, उनकी कब्र के पास दफना के आ जाते हैं, और वो इस चीज़ को कम से कम एक हफ़्ता, दो हफ्ता या महीना, जिस तरीके से भी उनके उस्ताद उन्हें इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो उतनी देर दफन करने के बाद आके उस कलम को उठा लेते हैं। मकसद इसका ये होता है कि उसके अंदर उनकी कुछ ब्लेसिंग्स आ जाती हैं। अब रही बात कि हम लोग किस तरह से यहाँ पर जो तुर्की वाले उस्ताद हो गए, यहाँ पर भी आप जब सीखने के लिए जाते हैं जो रिवायती तरीका है उसमें स्टूडेंट अपने उस्ताद या होजा के पास जाता है और वो उसे एक मश्क देते हैं। वो मश्क वो उसे किसी इस तरीके के एक पेपर पे देने के बाद तो वो पूरा हफ़्ता उसके ऊपर प्रैक्टिस करता है, और प्रैक्टिस करने के बाद एक वीक में एक दफ़ा या दो दफ़ा अपने उस्ताद के पास जाता है, जिस दौरान उस्ताद उसे उसकी गलतियां बताता है, क्या ये आया ठीक है या नहीं। उसके बाद शागिर्द अपनी मश्क को इस तरीके से जारी रखता है, और इस तरीके से मश्क करते हुए कमोपेश कई कई घंटे लग जाते हैं, और एक अलिफ लिखते हुए कम से कम 3 से 4 माह चाहिए उस एक अलिफ को लिखना सीखने के लिए, और ऐसे कई हज़ारों अलिफ लिखने पड़ते हैं, फिर जाके फाइनली आप अलिफ लिखने के काबिल होते हैं। इसी तरीके से बाकी मुफरदात आ जाते हैं, फिर उसके बाद
अगला तरीका ये होता है कि मरकबात। मुफरदात कहते हैं एक एक वर्ड को अलग अलग लिखना, यानी अलिफ़, उसके बाद बे, उसके बाद जीम, रे, दाल। अब इसके बाद इनके पेवंद हैं आपस में, दो अल्फ़ाबेट्स को आपस में जोड़ना कैसे, जैसे सीन और जीम का पेवंद आपस में कैसे लगाना है। तो उस ख़त में पेवंद लगाने के दो या तीन या चार या पाँच जितने भी तरीके हैं, वो उस्ताद आपको उसकी मश्क देता है और उस मश्क के बाद आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं। और उस प्रैक्टिस करते हुए जैसा कि यहाँ पे ये देख रहे हैं आप कि एक ये पेवंद है और एक ये पेवंद है, इस पेवंद को लगाने के तरीके हैं। तो उसके बाद आप मुफरदात के बाद मरकबात सीखते हैं। और इसी तरीके से बाद में जब एक स्टूडेंट अपनी फाइनल स्टेज पे पहुंचता है तो वो इस तरीके से कंपोजिशन लिखनी स्टार्ट कर देता है। इसे कहते हैं कंपोजिशन, जिसमें एक आयत को एक नए अंदाज में लिखा जाता है। ये किसी भी शागिर्द की वो आखिरी मिराज है जिस पे वो पहुंचता है उस्ताद की गाइडेंस के बाद। खताती जब उस्ताद आपको मुकम्मल सिखा देते हैं तो सिखाने के बाद वो आखिरी मरहला, वो शागिर्द अपने लिखे हुए के नीचे सिग्नेचर कर सकता है। इट डजेंट मीन, इसका यह हरगिज़ मतलब नहीं है कि क्या वो अब उस्ताद बन चुका है। वो उसका एक मतलब ये है कि वो उस प्रोसेस से गुजर चुका है जिससे तमाम बाकी उस्ताद गुजरे थे और वो अब कुछ ना कुछ इस चीज़ों की हौनों जानता है। बाकी इस फ़न का उस्ताद बनने में सालों की मेहनत दरकार है। इसी तरीके से जैसे ही वो अपनी प्रैक्टिस को कंप्लीट करता है तो उस्ताद उसको एक इजाज़ा साइन करते हैं, यानी उसको सिग्नेचर करके देते हैं कि अब तुम आप ये अपना काम आगे कर सकते हो। उससे पहले तक शागिर्द सीखते हुए ना तो अपने काम के नीचे सिग्नेचर कर सकता है और ना ही आगे किसी को सिखा सकता है।